भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य राजस्थान में जयपुर शहर की स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर शहर को वैदिक वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए ग्रिड योजना के अनुसार बनवाया गया था। यह शहर खगोलीय कौशल, जीवित परंपराओं, अद्वितीय शहरी स्वरूप और अनुकरणीय दूरदर्शितापूर्ण योजना को दर्शाता है। जयपुर शहर की वास्तुकला एक असाधारण विकास की पहचान है, जो मध्यकालीन काल में कई विचारों के सम्मेलन और महत्वपूर्ण आदान प्रदान को प्रदर्शित करता है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में एक ही चरण में विकसित इस शहर में ऐसी सड़कें हैं जिनमें उपनिवेशित व्यवसाय बराबर दिखाई देते हैं, जो केंद्र में चौपड़ नाम के बड़े चौराहों पर एक दूसरे से मिलते हैं। मुख्य सड़कों पर बने हुए बाजारों, ठेलों, घरों तथा मंदिरों के सामने के भागों में एक रूपता नजर आती है। व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध जयपुर की परिकल्पना मध्यकालीन भारत की व्यापारिक राजधानी के रूप में की गई। जयपुर एक ऐसा शहर है जहां इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला शाश्वत रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।